घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? पुष्पा के नए गाने के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ केस? क्या वाकई पुरुषों की भावनाओं को आहत पहुंचाता है ये गाना? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, पुष्पा के एक गाने का बहुत टाइम से हल्ला हो रहा था कि ये गाना आने वाला है, रिलीज होगा, क्योंकि इसमें समंथा प्रभु है जो कि आइटम नंबर करने वाली है। समंथा आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर। उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही जा रही है और उनका आइटम सॉन्ग का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है ऊं अतवा ऊं ऊं अतवा। गाने के लिरिक्स बहुत बेहतरीन है और जिस तरह से फिल्माया गया है वो और भी ज़्यादा धमाकेदार है। बहुत ही सुंदर नज़र आ रही हैं पर्पल कलर के ड्रेस में समंथा, साथ ही अल्लू अर्जुन नज़र आ रहे हैं और उनके जो डांस स्टेप्स हैं वो सारा ध्यान ले जा रहे हैं। साथ ही जिस सिंगर ने ये गाना गाया है बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से गाया है और बहुत ही सेक्सी आवाज़ में गाया है, इसीलिए गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और वेट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जितना पसंद लोग गाने को कर रहे हैं उतनी प्रॉब्लम इसके लिए खड़ी भी हो गई है। दरअसल खबरों की माने तो पुरुषों के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस गाने के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस गाने पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। इस गाने के खिलाफ दायर की गई याचिका में गाने की लिरिक्स पर एतराज जताया गया जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये पुरुषों की गंदी सोच को दर्शाता है, जैसे वो हर वक्त केवल सेक्स के बारे में सोचते हैं। आपको बता दें, पुष्पा तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ 6 भाषाओं में रिलीज होने वाली है और गाने के लिरिक्स लगता है इस तरह की भावनाएं दर्शा रहे हैं, इसीलिए गाने के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और बहुत ज़्यादा आहत है ये ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन समंथा की तारीफें करते नहीं थक रहे लोग और बहुत वेट हो रहा है अब इस गाने का। फैंस तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये गाना रिलीज हो और किसी भी तरह का बैन इस गाने में ना लगाया जाए, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है कि गाना बैन हो जाए। आपको इस बारे में क्या लगता है, कितना वेट है और कितना पसंद आ रहा है ये फर्स्ट लुक, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।